अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और जो लोग खुश नहीं, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ अता करें। आज हम बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप समझ में आ जाए। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने के बाद हम 1 चम्मच इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि जो मछली की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना। यहाँ मैंने एक लहसुन ले लिया, उसको हाफ जो है वो मैंने पीस लिया। उसी तरह अदरक जो थी वो भी एक टुकड़ा मैंने पीस लिया। 1 चम्मच मैंने अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड की। मेरे पास फ़िश के यहाँ 4 पीसेज हैं, मैं उस हिसाब से मसाला तैयार कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के बड़ी चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने मछली को सिरके से निकाल लिया। सिरके को आपने वेस्ट कर देना है। अब इसके बाद जो मसाले मैंने तैयार किए थे वो सारे मैं मछली के ऊपर लगा दूँगी। मसाले लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट के बाद फ्राई कर सकते हैं। पेस्ट को थोड़ा पतला करने के लिए मैंने पानी ऐड किया, आप चाहें तो दही भी शामिल कर सकते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को जो है वो गर्म कर लिया था। यहाँ इस फिश की स्पेशल बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होगा। अब इट्स अप टू यू कि आप 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, इनफ होगा। इसमें ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। अब अच्छे से आपने फ़िश को इसके अंदर फ्राई कर लेना है। और अगर आप ऑयल कम खाते हैं या डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप 1 चम्मच ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, बहुत ही हेल्दी मसालों के साथ और बहुत कम ऑयल के अंदर ये मैंने फ़िश तैयार की है। आप भी इस सीज़न के अंदर इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलें जी, झटपट सी फ़िश फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर किया करें। आऊँगी मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।